महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में यवतमाल जिले के दिग्गज शहर में भाटीपुरा में स्थित महादेव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष यहाँ पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन और अभिषेक समारोह सम्पन्न हुआ। बीते 4 मार्च सोमवार से 6 मार्च बुधवार तक आयोजित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में परिसर के भाविकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण सहित शाम 5 बजे अभिषेक कार्यक्रम में भाविकों की भीड़ लगी रही। गौरतलब है कि सोमवार को शाम 5 बजे दुग्धाभिषेक, मंगलवार को दही अभिषेक, वही बुधवार को गन्ने के रस का अभिषेक आदि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। यह रोजाना रात 8 बजे महाआरती कार्यक्रम में परिसर की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए परिसर के बुजुर्ग, युवक युवतियों सहित महिला तथा पुरुष वर्ग ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इस 3 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन और अभिषेक कार्यक्रम का बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन और अभिषेक समारोह के समापन दिवस पर भाविकों ने एनबीसी न्यूज चैनल को 3 दिवसीय उत्साहपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही आगामी दिनों में संपन्न होने जा रहे शिव की बारात सहित महाप्रसाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर 3 दिनों का पार्थिव शिवलिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया था भाटीपुरा उमा महेश संस्था की तरफ से, तो सभी भावी भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मैं आशा करती हूँ अगले साल और भी इससे ज्यादा भावी भक्त यहाँ उपस्थित होंगे। यह प्रोग्राम 3 दिनों का था, आज उसकी समाप्ति है और शिवरात्रि को यहाँ पर शिव जी की बारात निकलने वाली है और 9 तारीख को भंडारा है, तो सभी को भंडारे के लिए निमंत्रित किया जाता है और बारात में भी सभी कोई आए और प्रसाद लेने सबको आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। यह कार्यक्रम सामूहिक है तो सभी के सभी साथ देंगे तो ही यह सक्सेस होगा। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।